हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके ही अपने चैनल हिंदुस्तानी सपोर्टर में। मैं संजय शर्मा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपके लिए पीएम किसान से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूं, जो चीज़ वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक जरूर रहे। तो चलिए, सबसे पहले हम पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, आप देख पाएंगे यहाँ पे पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ लिखा हुआ पीएम किसान सम्मान निधि। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कि आज सुबह मॉर्निंग में या फिर आप चाहे 3 तारीख यहाँ पर जो अपडेट लिखा हुआ आ रहा था, जहाँ लिखा हुआ था आपकी जो टेक्नोलॉजी एक्टिविटी के कारण यहाँ पर 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपका जो सर्वर थोड़ा डाउन रहने वाला था, जिसके कारण जो भी नई रजिस्ट्रेशन हो रहे थे वहाँ पर आपका डाटा नोट फॉर्म बता रहा था, या जो अभी डाटा नोट फॉर्म बता रहा है वो उसकी प्रॉब्लम जब तक सोल्व हुआ जी। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपको चाहूँगा यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आपसे हमें जैसी जो अपडेट मिलता है हम आपसे अपने चैनल के माध्यम से आपसे पहुँचा पाए। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले बताता हूँ कि जो आपसे मैं जो अपडेट लेता हूँ महत्वपूर्ण जो बताता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड, जैसे आप देख पाएंगे कि आज हमारी जो गवर्नमेंट है उसने फार्मर के लिए नया बजट पास कर दिया है, जो कि आपका रहने वाला है अप्रैल जुलाई 2021 से 2022 के बीच में। तो इसमें ये देखिए टोटल जो रहना है हमारा है 10,37,09,614, जो कि आज हमारा बजट पास किया गया है। तो फ्रेंड, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ जिससे अभी नोट डाटा फॉर्म रहता है ये प्रॉब्लम जब तक सोल्व होगी। तो फ्रेंड, बता दूँ कि आने वाले एक हफ्ते से भी अंदर ये आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सोल्व होगी, जिसके बाद आप न्यू फार्मर भी के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे, और यहाँ पर आपको कोई भी एडिट करना है आधार में नाम में वो भी आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपसे वीडियो जरूर पसंद आई हो। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करें, और यदि आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड फिर मिलेंगे हमने वीडियो से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।